नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। पाकिस्तान ने लगातार आतंकियों को पनाह दी और भारत समेत कई देशों में इन आतंकियों ने जमकर खून खराबा किया और कर रहे हैं। नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की थी और अब पाकिस्तान के एक और पड़ोसी मुल्क ईरान ने वहां आतंकी ठिकानों पर हमला बोला है। ईरान ने बलूचिस्तान के पंजगूर में जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों पर मंगलवार को मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। आपको बता दें, जैश अल अदल का पहले नाम जुंदल्ला था। वहीं पाकिस्तान ने ईरान के इन हमलों की सिर्फ निंदा की है अभी तक। वैसे कर भी क्या सकता है ये मुल्क। खैर, उसने कहा है कि इस हमले के गंभीर परिणाम होंगे। वहीं ईरान की तरफ से बताया गया कि उसके रेवोल्यूशनरी गाइड्स ने जैश अल अदल के पाकिस्तान स्थित ठिकानों पर हमले किए हैं। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकी संगठन है। इसे पीपल्स रेजिडेंट ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक जैश अल अदल के आतंकियों ने ईरान सीमा पर उसके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में ईरान ने जैश अल अदल के आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से नेस्तनाबूद कर दिया। अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि ईरान के हमले से पाकिस्तान में कितने आतंकी मारे गए हैं, लेकिन दो बच्चों के मृत होने की खबर है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी ईरान कई बार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमले कर चुका है। एक तरफ खाड़ी और उसके आसपास हमास और इजराइल की जंग के कारण हालात तनावपूर्ण हैं। ऐसे में ईरान की तरफ से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से पूर्व में भी तनाव बढ़ने के आसार हैं। ईरान के हमले के खिलाफ पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ निंदा की है और सबकी नजर इस पर भी है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ईरान पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले जब ईरान ने इस तरह पाकिस्तान में आतंकी संगठन को निशाना बनाया था तो पाकिस्तान ने कभी भी पलटवार करने की कोशिश नहीं की थी। ईरान लगातार पहले भी कहता रहा है कि वो पाकिस्तान में बैठकर उस पर हमले करने वाले आतंकियों को किसी सूरत में नहीं बख्शेगा और इस बार बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर उसने अपनी इस बात को एक तरह से सही भी साबित कर दिया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।